News 18, India. Routine to a mere 10 days this year, thereby making refunds faster. Refund fast होने लग गए हैं. ये तो सिर्फ उपलब्धि बता रही थी, वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई घोषणा की जा रही थी कि अब ये 10 ही दिन में होगा. पूरी जो टैक्स रिलेटेड स्पीच थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अभी तक की उपलब्धियां गिनाई गई हैं कि 2014 के कंपैरिजन में अब तक हम कहां तक पहुंच गए हैं. अभी आगे कहां जाना है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं. जैसे उन्होंने कहा कि 2013-14 के वित्त वर्ष में 2,20,000 तक जो कमाते थे उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था. अब जो स्थिति यह है कि 7 लाख रुपए तक जो 7 लाख जो कमाते हैं उनको टैक्स नहीं देना पड़ता. रिबेट अगर हम मिला लें, हाँ रिबेट मिलाकर है वो 7 लाख रुपए तक. कई लोगों को लगा कि शायद 7 लाखों तक एग्जेम्पशन हो गई, लेकिन पिछले साल से 7 लाख है. ऐसा नहीं है कि 3 लाख को बढ़ा के 7 लाख किया गया. हम वो जो रिबेट है उसको मिलाकर अगर देखेंगे तो 7 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 7 लाख से ऊपर जाएंगे तो फिर टैक्स लगना पूरा शुरू हो जाएगा. हाँ, तो अभी तक यही उपलब्धि गिनाई गई है कि जितना किया गया है अभी फिलहाल काफी है, अभी और कोई गुंजाइश नहीं है. अगले बजट में बात करेंगे, मतलब जो जुलाई में आएगा, जो जुलाई में आएगा उस पे उम्मीद रखें. ये क्या है 10 साल पुराना 10,000 रुपए का तक का टैक्स का, अभी पूरा जब प्रिंट आएगा तो समझ में आएगा. पर जितना समझ में आया कि वो डिमांड जो डिस्प्यूटेड है जिसपे कुछ अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है तो उसको माफ करना चाहते हैं कि उस डिमांड को हम खत्म कर देंगे. मतलब अगर कोई बकाया आप पे लागू किया गया कि भाई 10,000 रुपए से कम अगर वो बकाया 10,000 से कम अगर, लेकिन अगर उसमें बड़े सारे इफ्स एंड बट्स होंगे. उस पर प्रतिक्रिया करने से पहले मुझे लगता है कि हमें वो प्रिंट जो आएगा उसमें पढ़ लेना चाहिए कि कौन कौन लोग क्वालिफाई करेंगे, किस किस तरह की टैक्स डिमांड उसमें क्वालिफाई करेगी. लेकिन अच्छा कदम मैं इसलिए कहूंगा कि चलिए पास लिटिगेशन को खत्म करने का एक प्रयास है और अच्छी मतलब बात ये उनके लिए जिनसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ बोला हुआ है कि आपका पुराना बकाया कोई पुरानी डिमांड है, पेंडिंग डिमांड है जी, कि आपका बकाया बनता है आप दीजिए. जी जी, तो अगर वो 10,000 रुपए से कम का बकाया है तो वो उसको माफ कर देंगे, उसको राइट ऑफ कर रहे हैं एक तरह. हाँ, कि चलिए छोड़िए आप, वेव कर रहे हैं. हाँ, जैसे लोन वेवर्स होते हैं तो इस तरह से जो सरकार की तरफ ड्यूज है उसको वेव कर रहे हैं. ऐसा अभी स्पीच सुन के लगा. जो प्रिंट आएगा तो मुझे लगता है कि प्रिंट पढ़ लेना चाहिए, उसमें क्या कंडीशंस हैं, क्या इफ्स एंड बट्स हैं, उसको पढ़ के हम इस पे ज्यादा अच्छी प्रकृति कर रहे हैं. और ये टैक्स प्रोसेसिंग की अवधि 93 दिन हुआ करती थी, अब 10 दिन में, यानी कि ये जो रिफंड की बात, जो रिफंड है उसमें या कोई और प्रोसेसिंग होके आनी है तो आपने रिटर्न फाइल की उसके बाद जो रिफंड विफंड आता है वो पहले 93 दिन बाद. प्रोसीजरल एफिशिएंसी है कि डिपार्टमेंट बहुत एफिशिएंट और अच्छे टाइम ये 10 साल में फास्ट काम कर रहा है. 10 साल में उपलब्धि हुई है. हाँ, तो ये और दूसरी बात बताइए, सबसे बड़ी कि फेसलेस जो हुई है. कि पहले आपको जाना पड़ता था, रिटर्न भरनी है, आपको इंट्रैक्शन करना है, असेसमेंट हो रही है आपकी, तो कहीं नहीं जाना आपको, आप रिटर्न भरिए, सारा काम ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू होगा, जो ऑर्डर आने सिस्टम के थ्रू होंगे. फर्स्ट अपील तक सारा फेसलेस हो चुका है, तो वो उपलब्धि उन्होंने याद दिलाई कि हम यहां तक पहुंच चुके हैं. ये 3 प्रमुख रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, ये इसको कैसे देखते हैं आप आलोक जी? देखिए, मैं तो अगर पूरा भाषण आप गौर से देखें तो मुझे एक दरअसल ये चुनावी भाषण लगता है कि हमने ये कर लिया और वो भी 10 साल का. हाँ, 10 साल का. और उसमें अब ये चुनावी भाषण सेंस में कि रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, उसकी फाइनेंसिंग, उसके बहुत स्पेसिफिकेशन हमारे पास नहीं है. एक महत्वपूर्ण कदम डेफिनेटली जो इस बजट के बाहर अंदर हो सकता था कि ये जो आशा और आंगनवाड़ी बहनों को आयुष्मान योजना से जोड़ दिया गया, ये एक महत्वपूर्ण बात है. और 1,00,000 करोड़ का फंड बनाया गया है जिसमें स्टार्टअप्स को बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे बहुत लंबे टाइम तक के लिए लोन दिया जाएगा, डेफिनेटली वो बड़ी बात है. और एक इसमें डायमेंशन दिखाई पड़ता है कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी एंगल है कि लक्षद्वीप में भी टूरिज्म प्रमोट करने का एक अलग तरीके से वो प्रयास रहेगा, जिस पर हाल के दिनों में हमने मार्केट देखी. टूरिज्म पे एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है. रेलवे को लेके एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा और है कि 40,000 बोगीज को कन्वर्ट किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा वंदे भारत के स्टैंडर्ड पे. तो डेफिनेटली ये सारी योजनाएं, लेकिन जैसा मैंने आपसे ये निवेदन किया कि ज़्यादा करके हमको दिखाई पड़ता कि 10 साल में हमने ये किया और ये करने वाले हैं. तो जो एक स्पेसिफिक्स बजट में हम डिस्कस करते थे कि ये टैक्स प्रपोजल और वो टैक्स प्रपोजल, तो बहुत साफ पूरा बजट 2 लाइन में क्रक्स में मैम ने बताया कि हम कोई चेंजेस नहीं करने वाले हैं टैक्स के स्ट्रक्चर में, विच प्रिसाइजली मीन्स फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज जो टैक्स के ब्रैकेट में आते हैं वो उनकी फाइनेंशियल इकोनॉमिक पोजिशन जो आज से 1 साल पहले 1 फरवरी 2023 को थी, ऑलमोस्ट वही 1 फरवरी 2024 को है. भले इसमें इन्फ्लेशन रेट 6% बढ़कर उनकी परचेजिंग पावर को 6% कम कर गया हो, लेकिन टैक्स का लेवल, लेकिन इसमें अगर आप कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन 6% थी, महंगाई 6% बढ़ी, तो उनकी परचेजिंग पावर 6% कम हो गई, लेकिन टैक्स वही का वही रहा, लेकिन उनकी आमदनी बढ़ी होगी, ये भी तो हो सकता ना. नहीं, डेफिनेटली उसमें अगर हम 6% इन्फ्लेशन रेट बढ़ी, आप एंकर हैं, मैं प्रोफेसर हूँ, एक्सपर्ट हैं, इनकी 10-12% बढ़ सकती है, लेकिन इकोनॉमी में थोड़ा सेगमेंट ऐसा भी है जिसकी 6% नहीं बढ़ती, उनकी पिछले बार जो इनकम थी वही रहने वाली है, तो 6% से पीछे चले जाते. एक उम्मीद
हम बनाए रखेंगे क्योंकि अभी बजट आना है। हाँ, इसलिए सारी कहानी टैक्स रेट्स तो अभी डिसाइड होंगे, अभी सारी कहानी। तो फिलहाल उन्होंने छेड़छाड़ नहीं की। इसमें सर मैं इसको यूं भी देखता हूं कि जब आपको ये बजट आपने पेश कर दिया इंकम टैक्स का, तो ये नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोगों को भी जरा ध्यान रखें कि भाई ये बजट तो अभी आना है, ये जो टैक्स रेट है इंटरिम बजट है ये तो, हाँ, और ये जो टैक्स रेट है इस पे तो इस साल की रिटर्न फाइल करनी है पिछले साल वाले, अभी जो आएगा उस पे अगले साल की रिटर्न फाइल करनी है, वो तो जुलाई में पता चलेगा। मैं आपसे क्या करता हूं, भगवान ने चाहा तो जुलाई में हम लोग फिर बैठेंगे बजट पे, लेकिन जो मेरा असेसमेंट है कि इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिडिल क्लास को जो मिलने वाली है वो जुलाई में भी नहीं मिलेंगी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए तब तो वोट पड़ चुके होंगे। हाँ, नहीं, वोट पड़ चुके होंगे। दूसरी बात ये कि हम शायद डिस्कशन पहले भी कर रहे थे कि उन वजहों से मिडिल क्लास का वोट उनको मिलता नहीं है कि वो टैक्स पर डिपेंड करता हो, तो ना तो यहाँ और ना वहाँ, वो किन्हीं और वजहों से हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो मैं ये असेसमेंट मेरा ये है कि जो टैक्स एग्जेम्पशन टैक्स छूट की उम्मीद हम लोग करते हैं वो जुलाई में भी साकार होने के चांसेस कम है, लेकिन हाँ जुलाई तक आप उम्मीद रख सकते हैं, आशा रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ चेंजेस बहुत जरूरी हैं, जैसे इंश्योरेंस से रिलेटेड, मेडिकल क्लेम से रिलेटेड, हाउसिंग रिबेट से रिलेटेड, और वो सब चेंजेस हम उम्मीद करेंगे जुलाई में होना चाहिए, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ने के साथ साथ टैक्स रिस्ट्रक्चरिंग भी जरूरी है, चाहे मिडिल क्लास को भी ध्यान में रखें। सरकार किसी का अनदेखा नहीं करेगी, ठीक है, उनकी अपनी इस टाइम मजबूरियां हैं, अभी इतने कम समय में वो निर्णय नहीं लिए जा सके, नहीं तो फिर जब सरकार आएगी तो हम पूछेंगे सर वेलकम गिफ्ट क्या दे रहे हैं, तो वो वेलकम गिफ्ट के रूप में मुझे लगता है उम्मीद है कि यही सरकार अगर आती है तो वो सब टैक्स रेट्स में जो स्ट्रक्चरिंग है, रीस्ट्रक्चरिंग है, रिलीफ है, वो हमें जुलाई में देखने को मिलेगा, मैं आशा बनाए रखना चाहूंगा। दो बातें इसमें बहुत अच्छी दिखाई पड़ती हैं कि जैसे अभी कल जो डेटा आया जीएसटी का कलेक्शन बहुत स्ट्रांग रहा, 1,70,000 करोड़ से ऊपर, और फिस्कल डेफिसिट लगातार कम होने की बात सरकार कर रही है, यानी कि 5.8% तो 23-24 के लिए हो गया, और 5.1% हम 5.8% है 23-24 का, हाँ, का, और अगली बार 5.1% हाँ, है, और ये गिरा के 4.5% ले जाने की इसका बात मतलब है। क्या होता है इसका मतलब, ये होता है कि सरकार आश्वस्त है कि हम ज्यादा कर का संग्रह कर लेंगे, हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेज होंगे, और उसके मैं रोक रहा हूं आपको, मनीष तिवारी कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते। Clearly demonstrate that over 18 lakh crores is the unfunded extent of the union budget for this year. And this number is only going to increase over the next year. If you leave that aside for a moment, the rest of the budget speech was mere grandstanding. It was like driving, looking into the rear view mirror rather than looking ahead. So therefore, the finance minister spent all her time in extolling her own track record, which obviously is questionable, and trying to run down what had happened 10 years back. कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ये कहते हुए कि वित्त मंत्री का सारा जोर इस बात पर था कि 10 साल पहले की इतनी खराब हालत थी, वहां से हम कहाँ से कहाँ लेकर आए हैं कश्ती को, अर्थव्यवस्था की वही दिखाने में रह गई निर्मला सीतारामन, आगे कुछ नहीं है, ये तो कांग्रेस है और विपक्ष है उसका ये कहना। शिशिर सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिशिर क्या देखते हैं, क्योंकि मुख्य मुख्य पॉइंट क्या देखते हैं इसमें, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट बढ़ाया गया वो है, टैक्स रेट्स में बदलाव नहीं है, तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या देखी जाए इस बजट में? देखिए लगभग 1 करोड़ टैक्स पेयर्स की अगर बात करें, जो उनके छोटे छोटे जो है वो डिस्प्यूट थे फंसे हुए किसी ना किसी वजह से, जिसकी वजह से दसियों साल से उनका रिफंड नहीं आ पा रहा था, ऐसे लोगों के लिए जो है वो एक राहत की बात है कि उनका जो कुछ भी डिस्प्यूट था वो सब के सब राइट ऑफ हो जाएगा, यानी कि उसे किताब से हटा दिया जाएगा। ये इससे फ़ायदा उनको ये होगा कि 2014 तक जितने भी ऐसे कोई भी विवाद अटके हुए थे वो अब उसको लेकर के कोई कार्रवाई नहीं होगी और उनका रिफंड जो है वो आ पाएगा। ये लगभग 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को बेनिफिट दे सकता है। दूसरा देखिए, अगर आप जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर 11,11,111 करोड़ बढ़ाने की बात कही गई है, इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट देखिए, यानी कि 1 रुपया जब आप खर्च करते हैं तो उसका फायदा 3 रुपये का होता है, और ये इस बात की ओर भी इशारा करता है कि अब सरकार का सारा जोर जो है वो जो 2030 तक $60 trillion की बात कही गई उसको कैसे अचीव किया जाए। इसके अलावा राज्यों को जो 50 साल के लिए जो ब्याज मुक्त कर्ज मिलता है वो
वो ज़्यादा रकम प्रावधान किया जाना वो एक अच्छी पहल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाना भी लोगों के लिए राहत की बात है, क्योंकि अगर कर की दरों में कोई बदलाव हो या किसी और व्यवस्था में बदलाव हो वो कहीं ना कहीं एक एक जिसे कहा जाए कि एक परेशानी भी करता है, क्योंकि और बजट में क्या होगा हमें पता नहीं है। तो पूर्ण बजट का मैं रोक रहा हूं आपको, शशि थरूर कुछ कह रहे हैं उनको सुनते हैं। अबाउट नंबर ऑफ थिंग्स दैट आर couched in vague language like for confidence and hope and so on, but when it comes to hard figures, there were very few figures available. For example, she talked about foreign direct investment without acknowledging that it has come down as a percentage of GDP, not gone up. She talked about, she didn't talk about unemployment, which has gone up to record levels. She didn't talk about youth unemployment. She didn't talk about declining female labor participation when talking about nari shakti. रोजगार पर कोई बात नहीं हुई, चाहे महिलाओं के चाहे युवाओं के, ये शशि थरूर का आरोप। अच्छा, एक और अहम बिंदु जिस पर आलोक जी हम बात कर रहे थे, ये जो कहा गया है अफोर्डेबल होम्स, घर खरीदने के लिए जो लोग किराए पर रहते हैं या झुग्गियों में रहते हैं, ये चौल में रहते हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं, उनके लिए कोई एक स्कीम आएगी, उस स्कीम के बारे में भी ज़्यादा डिटेल नहीं है, वो एक स्कीम आएगी जो उनको मदद करेगी अपना घर खरीदने या बनाने पर। यानी वो आवास योजना उस तरह से नहीं होगी कि सरकार बना के देगी, सरकार के बनाए हुए अफोर्डेबल होम्स की बात नहीं है, ये एक ऐसी स्कीम की बात है जिसके जरिए उस वर्ग के लोग जिनके पास अपना घर नहीं है और जो निम्न आय वर्ग के हैं, ऐसा लग रहा है उनकी बातों से, क्योंकि उन्होंने कहा कि रेंटेड हाउसेस, स्लम्स और चॉल्स, उनके लिए एक स्कीम के जरिए उनको पैसा उपलब्ध कराया जाएगा जिससे वो अपना घर खरीद सकें। ये स्कीम देखनी होगी कि क्या है। देखिए, कंस्ट्रक्शन में कुछ भी पैसा डलता है वो अल्टीमेटली उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। हाँ। वो लोहे से लेके और सीमेंट से लेके और तमाम चीज़ें जाती हैं। अभी जैसे जिस वर्ग की बात हो रही है कि वो चौल में है या अनऑथराइज में, दरअसल वहाँ पे फाइनेंसिंग बहुत मुश्किल होती है, लोन ना बैंक देता ना फाइनेंस कंपनी देती। अब वो देखना पड़ेगा मॉडलिटीज किस तरह की आती है, किस श्रेणी में वो दिया जाने वाला है। क्योंकि होम लोन वाली चीज जो थी वो तो अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए ही ज्यादा फायदेमंद रही। नहीं, वो जो फाइनेंस जो मिलता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, वो बड़ा चेक कर लेती है कि इसके सारे क्लैरिटी है, ये पूरा लीगल पूरा सेटअप इसका है। लेकिन अगर वो चौल में या अनऑथराइज सेक्टर में, तो किस तरह से उसकी मॉडलिटीज देखनी पड़ेंगी कि वो अल्टीमेटली, स्कीम तो बहुत शानदार ऑन पेपर दिखाई पड़ी लेकिन उसकी एलिजिबिलिटी किस किस की बनेगी। हाँ। वो देखना पड़ेगा। लेकिन डेफिनेटली पॉजिटिव इसलिए कि कंस्ट्रक्शन में कुछ भी आप करें उसके इम्पैक्ट फिर मल्टीप्लायर इफेक्ट में जाते हैं, और सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए भी, और जो लोग उसको यूज करेंगे चुनी जी, या जो लोग उसका इस्तेमाल करेंगे उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत अहम बात हो जाती है अगर अपना घर होता है तो। मेरे ख्याल से अब जिस तरह से सारा सिस्टम दुरुस्त कर रहे हैं, आधार कार्ड है, KYC सिस्टम है, पैन है, रिटर्न फाइलिंग शुरू हो गई है, तो ऐसे कुछ पैरामीटर्स बनाएंगे कि ये एलिजिबल है लोन के लिए। और मुझे लगता है लो EMI, वेरी लो कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट पे इस तरह के लोन, हाँ मतलब वो तो स्कीम देखनी पड़ेगी शिशिर, ये मॉरेटोरियम देंगे उसमें कि कंस्ट्रक्शन जब तक चल रही है तब तक आपको रिपे नहीं करना है। जी जी, मुझे लगता है इस तरह के इंसेंटिव होंगे। जी जी शिशिर, ये स्कीम देखनी पड़ेगी जिसका जिक्र किया है कि जिन लोगों को, जो लोग रेंटेड हाउसेज में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, चौल्स में रहते हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं, वो अपना घर कैसे खरीदें या अपना घर कैसे बनाएं, उसके लिए एक स्कीम आएगी। ये एक अहम घोषणा हो सकती है इस बजट की। बिल्कुल, अगर आप इंटरेस्ट सबवेंशन जो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं और जिस तरीके से बातचीत की गई है उससे लगता है कि एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम ऐसे हाउसिंग के लिए होगा कि आप एक निश्चित ब्याज दर से ज़्यादा हो जाए तो आपको एक इंटरेस्ट पे जो है वो सब्सिडी भी दी जाएगी। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो अभी हमारे पहले के वक्ता कह रहे थे कि चौल में या अनऑथराइज कॉलोनी की बात है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ना केवल दिल्ली और मुंबई या जैसे बड़े शहरों की बात है बल्कि तमाम छोटे शहरों में भी ये मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि आवास का बनना, घर का बनना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का बढ़ना लगभग 400 तरह की आर्थिक गतिविधियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से मदद करता है और उद्योग उसमें शामिल हैं ही, तो ये एक तरीके से एक विन-विन कह सकते हैं कि आम लोगों के लिए भी एक उसका फायदा है और उद्योग जगत के लिए भी उसका फायदा हो सकता है। जी तो ये इसलिए अब, लेकिन किसी भी तरह की स्कीम हो वो देखना पड़ेगा किस तरह से है, लेकिन इंटरेस्ट शिशिर आप किस आधार पर कह रहे हैं ये इंटरेस्ट सबवेंशन वाला हो सकता है? जैसे पहले जो दो स्कीमें की गई थी हाउसिंग की, चाहे अगर आप ग्रामीण देखें या शहरी देखें, उसमें कुछ इंटरेस्ट सबवेंशन की बात की गई थी, तो ये चर्चा काफी समय से चल रही थी कि मिडिल क्लास और जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में जो लोग हैं
उनको हम कैसे हाउसिंग के लिए और ज्यादा प्रमोट कर सके, इसीलिए वहां पर इंटरेस्ट सबवेंशन की बात हम कह रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, हो सकता है शाम को 4 बजे जब ब्रीफिंग होगी उसमें ये स्थिति और साफ हो पाए। हाँ, कि ये कि अपना घर बनाना या अपना घर खरीदना ऐसे वर्ग के लिए कैसे मुमकिन होगा, वो किस तरह की स्कीम होगी, इसके इसकी डिटेल्स देखनी होंगी। इसके अलावा शिशिर, ये सोलर की बात जो हुई है, सोलर एनर्जी को यूज करने की, उसको लेकर क्या समझा जाए? अगर आप याद करिए 22 जनवरी को प्रधानमंत्री ने वहां पर अयोध्या से लौटने के बाद ही 1 करोड़ घरों के छत पर जिसको कहा जाए सोलर रूफटॉप लगाने की बात कही थी, और आज इसका और एक विस्तार किया गया है कि किस तरीके से एक परिवार को फायदा। आपको मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुनते हैं। एक ऐतिहासिक बजट है जो पूर्ण रूप से परिलक्षित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत में एक नई क्रांति और परिवर्तन पिछले एक दशक में आई है, एक विकसित भारत का लक्ष्य, एक आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, एक विश्व गुरु बनने का लक्ष्य, उन तीनों लक्ष्यों के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ और गति के साथ भारत बढ़ चुका है। हमारी 4 जो जात प्रधानमंत्री के मस्तिष्क में है, हमारी महिलाएं, हमारे नौजवान, हमारे गरीब, हमारे अन्नदाता, उनके पूर्ण रूप से ऊर्जावान होने के आधार पे ही भारत आगे बढ़ेगा। और जो नए नए कीर्तिमान हर एक क्षेत्र में हमने स्थापित किए, चाहे वो संरचना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जो चाहे गरीब कल्याण योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, एक एक क्षेत्र में हमारे नौजवानों ने नए कीर्तिमान स्थापित किए, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे कोई भी प्रतिस्पर्धा हो, भारत अब आगे बढ़ चुका है। यही समय है, सही समय है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो हाँ शिशिर, हम उसकी बात कर रहे थे रूफटॉप सोलर की। जी, इसमें देखिए जो 300 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त देने की बात कही गई है, और इसके अलावा जो आपके पास अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता है वो बिजली कंपनियों को भी बेच सकते हैं। तो परिवार के लिए, एक परिवार जिसके छत पर ये सोलर रूफटॉप लगाया जाता है, उससे उनका किस तरीके से बेनिफिट होगा, लगभग 15-20 हज़ार रुपये के बचत की बात कही गई है। और इसका सबसे बड़ा ये है कि जो हम लोग क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, न्यू एंड रिन्यूअल की तरफ बढ़ रहे हैं, उस दिशा में ये एक अहम कदम है। जी, और देश को क्लाइमेट चेंज को लेकर भी जो सारे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी है उसमें भी इसकी मदद आएगी, क्योंकि अगर लोगों के घरों की लोगों के घरों की छतों से अगर बिजली बनने लग जाएगी, मतलब ये स्कीम उस तरह से लग रही है, पूरी डिटेल तो देखनी होगी कि भाई आपका अगर आपके पास अगर छत है तो आप सोलर पैनल के जरिए अपने घर के लिए इस्तेमाल करने के लिए बिजली आप यूज़ करेंगे, और एक्स्ट्रा होगी तो वो आप ग्रिड को दे सकेंगे, कुछ इस तरह की स्कीम। देखिए, नॉन मेट्रो शहरों में जिसमें दिल्ली में तो चूंकि किसी के पास अपनी छत नहीं है, मतलब ज़्यादातर के पास 22 फ्लोर में तो कहाँ छत है, लेकिन जो दिल्ली के बाहर के शहरों में तो आपको ये स्कीम कमोबेश जैसे नागपुर इंदौर में आपको दिखाई पड़ जाएगी कि कुछ लोन लेके बहुत सस्ते रेट पे लोन लेके अपनी लोग छतों पे करवा रहे हैं। दिक्कत सारी है कि अभी वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं पड़ता, एक टाइम काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर वो पैनल सस्ता हो जाए तो ये स्कीम डेफिनेटली मतलब विन विन सबके लिए है, कंज्यूमर के लिए भी और सरकार के लिए। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली अब हम जैसे डीजल पेट्रोल से इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, पर वो भी अंतिम विकल्प नहीं है, वो मंजिल नहीं है। तो मतलब जो अब एनालिसिस निकल के आ रहे हैं कि सोलर एनर्जी ही हमारी जो है मंजिल बनने वाली है, वही फ्यूचर है, तो उस दिशा में छोटा सा प्रयास है। जब टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ सोलर एनर्जी को हम लोग हार्नेस करेंगे। हाँ, लेकिन एक मोटी बात, जो बड़ी बात जो इसमें जो बात कही जा रही थी कि चुनावी साल है तो कुछ कुछ हो सकता है, कुछ कुछ मिल सकता है, और टैक्स को लेकर खासतौर पर कहा जा रहा था, और उस पे हम बात करेंगे। राजनाथ सिंह को सुन लेते पहले। उस टारगेट को हम अचीव करेंगे, हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। बहुत थैंक यू सर। तो जो चुनावी, और वो इसलिए भी था क्योंकि 2019 का जो अंतरिम बजट था उसमें कुछ कुछ चीजें जरूर थी, जो कुछ कुछ बदलाव थे जो किए गए थे, और कुछ रियायतें थी जो मिली थी। इस बार ऐसा कुछ नहीं है। क्या शिशिर ये दर्शाता है, क्या ये नहीं दर्शाता कि सरकार इस बार बहुत कॉन्फिडेंट है चुनावों को लेकर?
बिल्कुल किशोर, आप वही वाक्य हम इस्तेमाल करने वाले थे कि ये सरकार के विश्वास को ही दर्शाता है कि अगर वो किसी भी तरह के सीतारमण जी ने आज जो इंटरिम बजट पेश किया, ये फुल फ्लेज बजट नहीं है, इंटरिम बजट है, लेकिन इंटरिम बजट जो भी उन्होंने प्रस्तुत किया तो बहुत ही इंकरेजिंग, बहुत ही उत्साहवर्धक है और आगे के लिए भी और अधिक आशाएं बढ़ती हैं और भारत की इकॉनमी की साइज जितनी इस समय है इसमें पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूं इस इंटरिम बजट के कारण ही, जो भी इंडिकेशन इस बजट से मिले हैं कि हमारी इकॉनमी जो आज दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में है उसकी साइज बढ़कर 2027 तक मोर देन $5 ट्रिलियन जाएगी और 2030 आते आते मोर देन $7 ट्रिलियन तक पहुंचेगी।